हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो इजी डिजिटल पॉइंट। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग लैटरल एडमिशन इन जादवपुर यूनिवर्सिटी फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट एंड आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट का जो टॉपिक हुआ था, उस टॉपिक के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारे जो क्वेश्चन आप लोग मुझे पूछ रहे हो। पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वेस्ट बंगाल स्टूडेंट से, तो वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स जो हम लोगों को पूछ रहा है कि क्या हम लोग टेंथ के बाद डिप्लोमा करके जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एंड जो आउट ऑफ वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हम लोग क्या टेंथ के बाद डिप्लोमा करके जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, एंड टेंथ के बाद अगर विदाउट ट्वेल्थ में क्या मैं हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। ये दोनों का ही प्रॉब्लम है, विदाउट ट्वेल्थ जो बात हो रहा है, विदाउट ट्वेल्थ क्लास क्या हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एंड जो 60% वाले बात है कि हम लोगों को टेंथ में या 12th में 60% मार्क्स रखना होगा फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी। ओके, तो देखो ये सवाल क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर जो एडमिशन हुआ था उसके अंदर जिस बच्चे के पास 10th में या 12th में 60% मार्क्स था उसी को एडमिशन मिला, एंड जो जिसके पास 60% मार्क्स नहीं था उसको एडमिशन नहीं मिला। ठीक है, तो आई थिंक हो सकता है ये पिछले साल हुआ था। तो मैंने मेरा एक जो दोस्त था जादवपुर यूनिवर्सिटी उससे बात किया, तो उनसे पूछा कि क्या लास्ट ईयर ये हुआ था, तो वो बोला कि लास्ट ईयर ये हुआ था बट इस साल नहीं होगा। इस साल जो भी आप लोग 60% नहीं लाते हो तो आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। तो क्यों नहीं होगा कि नहीं हुआ था पिछले साल, देखो जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कैंपसिंग होता है, ठीक है, कंपनी आता है, कंपनी वाले पूछता है कि आप लोगों को जो 10th में एंड 12th में कितना मार्क्स था। ठीक है, तो देखो 60% होना चाहिए 10th एंड 12th में, क्योंकि बड़ा बड़ा जो कंपनी आता है तो वो देखता है कि आपका एकेडमिक रिजल्ट कितना कैसा है। ठीक है, और जो मैंने उसको पूछा था कि इस साल क्या भी ये हो सकता है, बट उसने बोला कि देखो जो हमारे जादवपुर यूनिवर्सिटी में कैंपसिंग होता है, जो कंपनी आता है, वो सिर्फ एकेडमिक रिजल्ट देता है, जो फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक जो भी आपका एकेडमिक रिजल्ट बीटेक में, ठीक है, एकेडमिक ईयर का डिटेल्स जो रिजल्ट होता है वो देखता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस देखता है, ठीक है, ना कि आप लोगों का जो 10th एंड 12th देखता है। ठीक है, तो ये मुझे बोला, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तो हो सकता है आई थिंक। तो मेरे ख्याल से 60% वाला जो बात था वो नहीं होगा। ठीक है, आप लोग अगर 10th में या 12th में 60% कम है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो उस कॉलेज में। ठीक है, अब आती है जो 10th के बाद विदाउट ट्वेल्व वाले स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, बट आउट ऑफ वेस्ट बंगाल वाले मैं बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, जो इन वेस्ट बंगाल स्टूडेंट 12th में 12th विदाउट 12th ले सकते हैं एडमिशन, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके ऊपर, कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर दे दिया था कि आप लोगों को 10th के बाद अगर डिप्लोमा करते हो तो आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। अगर एडमिशन ही नहीं होगा जब तो जेक्स को एग्जाम क्यों दिया है, ठीक है, क्यों रखा है जेक्स को सब देने के बाद आप लोग 10th के बाद जेक्स को सब देके आप लोग एडमिशन लोगे, क्यों दिया है, तो गवर्नमेंट के अंदर ही होता है ना, जैसे एक्सपेंस में तो प्राइवेट नहीं होता, तो आप लोगों को जो एडमिशन मिल जाएगा। अब आते हैं जो हमारे जो आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट है, तो मुझे एक बंदे ने फोन किया था, तो वो बोला कि सर हमारा जो टीचर्स था, टीचर से मैंने बात किया तो टीचर्स लोगों ने बोला कि अगर आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट जीलेट के थ्रू जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है तो आप लोगों को जो 12th पास होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा जो अपडेट कहीं पेपर में नहीं लिखा है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में ढूंढा कि उसके अंदर जो वेबसाइट है वेबसाइट के अंदर ढूंढा, एंड जो जिलेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ठीक है उसके अंदर भी गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन में भी गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आप लोगों को जो 12th नेसरी है 12th आपको पास करना ही होगा, उसके बाद आप लोगों को जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर होता है तो मैं बता दूँ पेपर इसके ऊपर, तक मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, टोटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर मिल जाता है तो आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट, मैं जरूर आप लोगों की हेल्प करूंगा, मैं सारे वेबसाइट ढूंढूंगा। ठीक है, अगर मिल जाता है, अगर कोई ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाता है तो आप लोगों को बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस वीडियो के थ्रू बता दूंगा। एंड आने वाले वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, जाकर प्लीज देख लेना। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।